बताना चाहता हूं, इस संगठन का जो भाव है, हमारे युवा साथी ही मजबूत करेंगे, क्योंकि गांव गांव में हर घर में युवा साथी है, युवा में काफी नाती होती है। हमारे जो अभिभावक है, जितने भी अभिभावक है हमारे सब पे बताए रास्ते पे, हम सब युवा को मेहनत करना है और हम सबको झारखंड के हर गांव में, हर चार हर कस्बे तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव उनका जो सोच है, उनका जो विचार है, सामाजिक न्याय के जो उन्होंने ज्योति जगाई है, हमारे तेजस्वी यादव जी युवा का जो प्रतीक है, इन्होंने जो देश के युवाओं को अपना नेता माना है, कल के उन्होंने युवा का प्रधानमंत्री होंगे, देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो इनकी सोच को लेकर आपने देखा युवाओं को कैसे इन्होंने प्रेरित किया, युवाओं के प्रति जो इनका सोच है कैसे इन्होंने उनको आपको बताया, युवाओं के प्रति क्या इनकी सोच है, और हम आपको युवाओं से कहना चाहते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं यही कहना चाहूंगा, हमारा जो झारखंड का संगठन है, संगठन का जो मेन दायित्व होता है, हम सब युवाओं के दायित्व होता है, हमको संगठन को कैसे लेके चलना है, बहुत सारे हमारे जिला अध्यक्ष आए हुए, जो भी जिला के जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, प्रखंड अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप लोग से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोग को पूरे झारखंड में संगठन को कैसे धाकार बनाना है, हम लोग शांति से बैठ जाए, संगठन को हम लोग बैठ जाए, कैसे चलाए अपने जगह पे बैठ जाए, संगठन को हम लोग आगे आने का कोशिश कर रहे हैं, कैसे दे भाई, हम लोग आपके कर्तव्य है, नहीं गलत बात है, गलत बात है, ये तरीका गलत है, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, युवाओं के आइकॉन माननीय तेजस्वी जी को झारखंड के धरती पे कार्यकर्ताओं के बीच प्रथम आगमन में हम लोग हार्दिक बधाई और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने झारखंड के तमाम बड़े नेता को बुला करके और पटना के कार्यालय में एक मैराथन बैठक करके और एक टिप्स देने का काम किया, और टिप्स दे करके उन्होंने कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की पहचान, पुरानी जो पहचान थी, कभी हम लोग 1595 में हम लोग 1516 विधायक रहे, अगर चाहते हैं कि हम पुनः वहां पहुंचे, तो जो हमारा जो गाइडलाइन है, पहले हम लोग चलते थे ऊपर से कि प्रदेश से लेकर के आते थे पंचायत तक, पंचायत से लेकर के बूथ कमेटी तक, मगर इन्होंने उसको बदलने का काम किया कि पहले बूथ पर जाएंगे, बूथ से लेकर हम प्रदेश पर आएंगे, तभी हमारा संगठन मजबूत होगा, और इस उद्देश्य से इन्होंने लोगों को भुला करके मान सम्मान देने का जो काम किया, इसका झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल इनका शुक्रगुजार है, इनको हम लोग माने नतमस्तक है कि इन्होंने जो हम लोगों को जिम्मेवारी दी
हम लोग उसी दिन हम लोगों ने कहा कि हम लोग आपका चुनौती स्वीकार करते हैं और हम लोग झारखंड में आकर के कोर कमिटी का बैठक किए और बैठक करके हम लोग निर्णय लिए कि सभी जिला और जिला प्रभारियों का बैठक और उसके बाद हम लोग सभी विंग का बैठक बुलाया और प्रभारियों का बैठक और हमने एक स्पष्ट तौर पर कहा कि अब वो सब चलने वाला नहीं है, जो करेगा वही बढ़ेगा। यहां दल में जो चुपता खोरी है, जो आपस में लोग विवाद करते हैं, वो विवाद अब चलने वाला नहीं है। निश्चित तौर पे जो लोग कर्मठ हैं उनको निश्चित तौर पर जगह में, हमने प्रथम बैठक में कहा कि अगर प्रथम बैठक में कहा कि अगर किसी को अगर हम लोगों के कार्य शैली से तकलीफ है तो लौर लोगों को जगह दीजिए, लोग काम करने के लिए उतावला है। आज जो देख रहे हैं जनसभा, ऐसा नाम जो बताती है कि राष्ट्रीय जनता दल, जो पूरे राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता गरीबों सुस्तों दलितों अक्लियतों के जो मसीहा है, माननीय लालू यादव जी का जो सोच है कि गरीबों के झारखंड में 90% लोग गरीब हैं, मगर हम लोग अपने मतदाता के पास हमें अपने लोगों के पास जाने से मुकरते हैं, जिसके कारण हम लोगों को जो संगठन बनना चाहिए था, जिसका हम लोगों को नेताजी ने हम लोगों को बताने का काम किया कि आप इस स्तर से काम कीजिए। दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी चलाए हैं, हम लोगों की बात हो रही थी, झारखंड में भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम चलेगा और तमाम जो बिहार के जितने प्रशिक्षित लोग हैं उनका कार्यक्रम को झारखंड में चला करके और राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांत को बताते हुए लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर हमारा जो सिद्धांत है, हमारा नीति और सिद्धांत है, वैसा नीति और सिद्धांत किसी पार्टी के पास नहीं है। निश्चित तौर पर हमारे लोग जो है, हमारे साथ जो टूटे हैं उनको जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। निश्चित तौर पर आप लोगों के बल पर हम लोगों ने चुनौती स्वीकार किया है कि हम लोग निश्चित तौर पर तमाम बिंग को भी हम लोग ग्रास रूट पर ले जाएंगे और ग्रास रूट पर ले जाकर के हम लोग यहाँ 9-9 घंटा बैठेंगे। लोग आश्चर्यचकित थे कि ऐसा बैठक तो हमने देखा नहीं कभी, ये प्रथम बार हो रही है। हमकी ये प्रथम बार नहीं हो रही है, ये नेता प्रतिपक्ष बिहार माननीय तेजस्वी जी का करिश्मा है कि जिन्होंने हम लोगों को टास्क दे करके, हम लोगों को मनोबल को ऊंचा करके और जिस तरह भेजा है। हम लोगों ने कहा कि झारखंड में जिस तरह बिहार के जनता ने जो मैंडेट आपको दिया है, वो बिहार के जनता मैंडेट जो है, जो विपक्ष का नेता बनने का मैंडेट नहीं दिया है, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मैंडेट दिया है। ये चोर दरवाजा से बैठी हुई सरकार है और निश्चित तौर पर अपने कारनामा से जाएगी और जल्द ही हमारा नेता, जो आज नेता प्रतिपक्ष कहे जाते हैं, तो कल का जो बहुत जल्द ही बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में भी झारखंड को देखने को मिलेगा। मैं इतना ही जनसब्जों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हुए, कोविड-19 के बाद और विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड की धरती में, बिरसा मुंडा की धरती में ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता सम्मेलन है और पहली बार जितना हॉल में भीड़ है उससे 4-5 गुना भीड़ सड़क में है।
हाथ में है। मैं तमाम कार्यकर्ताओं का प्रतिबल से आज बता बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आने का काम किया और अभी झारखंड में दूसरे सात प्रखंड में हमें घूम रहा है, कार्यकर्ताओं से मिल रहा है, संगठन को सशक्त और मजबूत बनाना है ताकि आने वाले के लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, पूरे झारखंड में कोई भी चुनाव होगा चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, तो राष्ट्रीय जनता दल माननीय लालू प्रसाद यादव और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के झंडा लहराएगा, क्योंकि ये आज के जो भीड़ इतिहास से देखा गया कल समय में राष्ट्रीय जनता दल किसी से कम नहीं है। और अभी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हर एक विधानसभा में, क्योंकि माननीय हमारे जो नेता हैं हर महीने के तीसरा सप्ताह में एक दिन समय देंगे, जितने झारखंड में विधानसभा है हर एक विधानसभा में विधानसभा का सम्मेलन करेंगे, जो हमारे नए साथी हैं पुराने साथी हैं सभी को हम लोग जोड़ने काम करेंगे और आने वाला समय में पूरे शक्ति के साथ राष्ट्रीय जनता दल चाहे लोकसभा विधानसभा में सरकार बनानी हो तो बिना राष्ट्रीय जनता दल के बिना सरकार नहीं बनेगी। इस ताकत के साथ हम लोगों को काम करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि समय कम है। मैं सभी को आज के दिन आए हुए कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। झारखंड प्रदेश में प्रवास करने का उन्होंने संकल्प लिया तो संगठन मजबूत कैसे हो और झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल का हुकूमत कैसे हो, इसी कारण आप लोगों को सभा बुलाई गई है। तो संगठन जो है पार्टी का जड़ मूल है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी ने झारखंड का जो सपना देख करके झारखंड का बंटवारा किया था, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी का 18 साल तक हुकूमत रहा लेकिन सपना पूरा नहीं हुआ। तो संगठन एक प्रबल शक्ति है और जब शक्ति को हम लोग प्राप्त करेंगे राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव आपके द्वार कार्यक्रम के तहत झारखंड प्रदेश के पूरे राज्य में हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम के तहत जहां जहां राष्ट्रीय जनता दल का संगठन मजबूत होगा वहां राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। फैसला लेना है आप लोग तो बैठे रहे, नेता जी आ गए हैं, फैसला लेना है आप मालिकों का। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।